हेलो स्टूडेंट, बोर्ड के द्वारा जारी हुआ क्लास 12 नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड ने जारी किया है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का वार्षिक मॉडल पेपर इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए है। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2025 में पेपर देने वाले हैं, तो ये यूपी बोर्ड का पेपर आज आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि बोर्ड ने जारी किया तो भैया कुछ ना कुछ इसमें तो खास ज़रूर होगा ही। तो ये पेपर आज हम आप लोगों को बताने वाले, इसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए। जिन भी स्टूडेंट को 95 प्लस स्कोर करना है नागरिक शास्त्र में, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर मैं आपको पूरा हल करके बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक 100 मार्क्स का है, समय 3 घंटा 15 मिनट, यही समय दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट में। कक्षा 12 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, नोट में देख सकते हैं प्रारंभ के 15 और 15 मिनट है, ये पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। निर्देश में आप लोग देख लीजिएगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तीसरा है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक यानी 10 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कितने 2 नंबर दिए जाएंगे अति लघु उत्तरीय में। चौथा नंबर है यहाँ पर, ये प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न वर्ग है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिनका उत्तर प्रत्येक यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए 8 नंबर एग्जामिनर आपको देगा। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। तो यानी जो भी प्रश्न दिया होगा उसके अंक सामने दिए गए हैं। ये 2025 के न्यू पैटर्न पर आधारित ये आपका पेपर है, ठीक है। पेपर तैयार कर लोगे तो 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा आज इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी संधि परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित है, यानी इनमें से कौन सी संधि है स्टूडेंट जो परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित है, ये आप लोगों को बतानी है। तो इनमें से खा वाला राइट आंसर हो जाएगा NPT। क्या हो जाएगा? NPT, नॉन प्रोलिफिकेशन। क्या है? प्रोलिफिकेशन, इसका नाम ही बहुत अजीब है, मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ। ट्रिट्री, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है। NPT का फुल फॉर्म, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु अपसार संधि, ठीक है। ये पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले का NPT। दूसरा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है, ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो बहुआयामी हो जाएगा, बहुआयामी इसका करेक्ट आंसर है, दूसरे का घा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है, यानी कौन सा इनमें से कथन है जो कि वायुमंडल के संदर्भ में सही है। 1 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा इसके प्रश्न के लिए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इन 4 विकल्प में से आप लोगों को सही चुनकर लिखना है कॉपी में। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का सही विकल्प हो जाएगा, खा वाला। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है, वायुमंडल में जो ओजोन गैस की मात्रा है वो क्या है? घट रही है। समझ में आ गया? तो तीसरे का खा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शार्क थेरेपी का क्या अर्थ है। शार्क थेरेपी का अर्थ है स्टूडेंट आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी किसी देश को क्या है? आघात पहुंचाकर फिर उसका उपचार करना, ये शार्क थेरेपी का अर्थ कहलाता है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को इसमें बता चुका हूँ और आपके इस बार यूपी बोर्ड में भी ये दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को हल कर लीजिए। 5 नंबर है WSF का पूरा नाम क्या है, तो WSF का जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या नाम है? वर्ल्ड सोशल फोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पेपर यदि आप लोगों को चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम ID पर ये पेपर मैं दे दूंगा, आप लोग आइए वहाँ पर मैसेज कीजिए वीडियो के साथ में। ये वीडियो आप लोग हमारे पास लिंक कॉपी करके, ठीक है, लिंक कॉपी करके ये वीडियो आप लोग हमारे पास भेजिए, मैं आपको PDF दे दूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। अगला
क्वेश्चन है 6 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था वो कब हुआ था, 1956 में, 1955 में, 1957 में या 1958 में? इन 4 विकल्प के थ्रू आपको एक विकल्प कॉपी में लिखना है, चुनकर सही विकल्प। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। कब हुआ? 31 अगस्त, ठीक है, 1956 को ये अधिनियम पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए, खाद संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा था या सबसे प्रभावित राज्य है? तो भैया प्रभावित राज्य था वो पश्चिम बंगाल था, यानी 7वें नंबर का गा विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 8 नंबर, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? जो बॉम्बे प्लान है इसका उद्देश्य क्या था ये आप लोगों को बताना है। इसमें भारत का राजनीतिक विकास करना, भारत का सांस्कृतिक विकास करना, या भारत का आर्थिक विकास करना, या भारत का सर्वांगीण विकास करना? तो भैया इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा भारत का आर्थिक विकास करना था बॉम्बे प्लान का उद्देश्य, तो 8 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 1975 भैया आपातकाल लगा हुआ। अब देखिए 1975 में आप लोग हमें बताइए कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, यानी 9 नंबर का खास विकल्प इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगी। अब बताइए कि जो 1975 में आपातकाल लागू हुआ ये कितने महीनों के लिए लागू हुआ? 21 महीनों के लिए, ठीक है, 21 महीनों के लिए ये आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। आपातकाल लागू होने का जो समय था वो क्या था? समय था 25 जून, ठीक है, 25 जून 1975, ठीक है। ये समाप्त कब हुआ, यानी आपातकाल हटा कब? ये हटा आपका बाबू कब हटा था? ये 21 मार्च, ठीक है, 28 मार्च, ठीक है, 1977 में ये खत्म हुआ था आपातकाल, ठीक है। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी, करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा कि किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा 1980 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका 10 नंबर का खा विकल्प बिल्कुल सही है। तो हमारा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पर डे जो है कम से कम 10 मिनट तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को देना है। हर एक सब्जेक्ट पर 10 मिनट जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा शुरुआत में ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक एक नंबर। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने बताया था 10 इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, और एक प्रश्न के उत्तर के लिए 10 शब्दों में आपको एक लाइनों में बेसिकली इसका आंसर देना होता है, जो कि आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? भैया सुरक्षा से तात्पर्य किसी देश की सुरक्षा, अपने आप की सुरक्षा, यानी खतरों से आज़ादी। क्या है भैया? खतरों से आज़ादी को ही सुरक्षा कहा जाता है। अब इसके बारे में डिटेल में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नाम उल्लेख कीजिए, यानी किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नाम बताना है। तो एक तो आपका NPT हो गया, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, NPT यानी परमाणु अपसार संधि, और एक आपका हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, START स्टार्ट। ये 2 हैं संधि का नाम, जिसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, ये देखिए सामरिक शस्त्र, ठीक है, सामरिक शस्त्र न्यू, यहाँ पर देखिए न्यूनीकरण संधि, ठीक है। तो ये 2 परमाणु अपसार संधियों का नाम है, जो कि मैंने बता दिया है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, जो कि शायद 6 या 7 नंबर चैप्टर होगा आपका नागरिक शास्त्र में, उसमें जाकर आप लोग बाकायदा देख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये पेपर के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को अभी से पढ़ लेना है, कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं मॉडल पेपर दे दूंगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या के लेकर आयोजित किया गया था? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या के लेकर आयोजित किया गया था। ये पर्यावरण से रिलेटेड आपका समस्या था, जो कि कब हुआ था, 3 से लेकर, ठीक है, 3 से लेकर 14 जून 1992 में, ठीक है, 1992 में कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 195 देशों ने भाग लिया था, और क्या है, लगभग क्या है,
10,000 से ज़्यादा, क्या है 10,000 या 5,000 से ज़्यादा स्वयं सेवी ने, यानी जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो ये पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। 3 से लेकर 14 जून तक ये प्रक्रियाएं चली थी, रियो डी सम्मेलन। ठीक है, 2 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षी संपदा का क्या अर्थ है, हमें साक्षी संपदा का अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका अर्थ बता दीजिएगा, आपको बुक क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी, यानी केंद्र में जो प्रथम बार गठबंधन सरकार है कब बनी, इसके बारे में बताना है, तो इसके बारे में भी आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका पूरा, यानी ये पेपर का पूरा सोल्यूशन लेकर आऊँ, ये पेपर का पूरा सोल्यूशन लाने का मतलब है 2 से 3 घंटा निकल जाना, तो मैं 2 से 3 घंटे में पेपर का पूरा सोल्यूशन चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में करना क्या है आपको, 2 लोगों के पास ये वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा स्टूडेंट, मैं वीडियो जल्दी आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला देख लीजिए, 17 नंबर, सिंडिकेट क्या है, सिंडिकेट से अभिप्राय क्या है, इसके बारे में भी मैंने आंसर बता दिया अपने वीडियोज में। 18 नंबर क्वेश्चन है, देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों का नाम लिखिए। ठीक है, तो देश से विभाजन होने वाले 2 राज्यों का आपको नाम बताना है, जो कि शायद विभाजन से प्रभावित होने वाला, एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, जो कि कश्मीर हो जाएगा शायद, जो कि ये कश्मीर, हाँ कश्मीर हो जाएगा, जो कि प्रभावित होने वाले 2 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर शायद इसका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं, अल्पमत सरकार। ठीक है, मध्यावधि चुनाव है, यानी जो सत्ता में होकर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए कोई मध्यावधि चुनाव में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सरकार बनी हुई है, प्रॉब्लम आ गई और उस समय के जो चुनाव को कराया जाता है उसी को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। ठीक है, मध्यावधि चुनाव, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। 2 राज्यों का नाम बताना था, 1 नंबर आपको, 1 नंबर ओ, यानी 2 राज्यों का नाम बता दीजिए, 1-1 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो टोटल ये 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसको हल ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1, ये लघु उत्तरीय प्रश्न 1 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना होता है। इसमें भी बताए गए जितने भी क्वेश्चन से आप लोगों को पढ़ लेना है, यूपी बोर्ड ने ये पेपर जारी किया है तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो होगा ही। ठीक है, आपको 95% स्कोर करना है, तो चैनल पर क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा जो कि नागरिक शास्त्र का है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इसके बारे में बताना है आपको, इसके किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं का नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया इसके बारे में बताना है। ठीक है, और इसकी जो 2 विशिष्ट संस्थाओं का नाम है ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसके नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख करना है। तो देखिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर दिए जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है देखिए, कि भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए, यानी इसके पक्ष में आपको 2 तर्क देना है, आपको 5 नंबर दिया जाएगा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आसियान का निर्माण क्यों किया गया, क्या ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है, इसके पक्ष में अपना विचार स्पष्ट कीजिए, इसका भी मैंने आंसर बताया हुआ है। आपको करना क्या है स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च करना है, 22 शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वीडियोज मिल जाएगा जिसमें मैंने सभी का, यानी आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा उसी में सारी चीज़ें इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए, यानी 95 यानी 25 जून 1975 को जो है आपातकाल लागू हुआ, इससे हमें क्या सीख मिलती है इसके बारे में बताना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था, तथ्य सहित उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, यानी ये जो तथ्य है उदाहरण सहित आपको बताना, यानी 50 शब्दों में आंसर देना है, ज़्यादा शब्दों में मत दीजिएगा, इसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे।
तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। 6 क्वेश्चन पूछा गया था लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में। अब हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न 2, जो कि 100 से लेकर 125 शब्दों में हमें एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न 2 के टोटल 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक द्रव्य व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है, वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं, अपने मत की पुष्टि में तर्क भी दीजिए। ठीक है, 3 नंबर आपको दिए जाएंगे यहाँ तक, ठीक है, फिर 3 नंबर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, यानी टोटल 6 नंबर दिए जाएंगे। इसका आंसर यानी जो मैं वीडियोज में सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, आपको बुक में मिलेगा, ठीक है, और आपके क्वेश्चंस बैंक में, चाहे जो क्वेश्चन बैंक हो उसमें भी आंसर मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किन्हीं 3 कारणों का आप लोगों को उल्लेख करना, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए नियोजन से क्या अभिप्राय है, नियोजित अर्थव्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये भी 6 नंबर का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ, यानी जो अयोध्या विवाद था ये क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ, इसके बारे में हमें बताना है। ये भी 3-3 नंबर का, यानी आपको 3 नंबर दिया जाएगा अयोध्या विवाद के बारे में बताने के लिए, और इसका समाधान यानी इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ, इसके लिए 3 नंबर, यानी टोटल 6 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। तो टोटल जो 4 क्वेश्चन थे लघु उत्तरीय प्रश्न का, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके सारे प्रश्न को आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा, तो देखकर सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका टोटल कितने 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है, यानी 250 शब्दों में 8 नंबर का क्वेश्चन है। 250 शब्दों में जब आप लिखेंगे एक प्रश्न के उत्तर को, तब जाकर आपको 8 नंबर दिया जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षेस क्या है, ठीक है, दक्षेस क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, दक्षिण एशिया की प्रगति में दक्षेस यानी सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे, यानी इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, इसके बारे में भैया आपको बताना है। ठीक है, 2 नंबर दिया जाएगा यहाँ तक, फिर जाएगा आपको 2 नंबर यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए 2 नंबर आपको दिया जाएगा यहाँ तक, 2 नंबर यहाँ तक, और 4 नंबर दिए जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के लिए। अथवा करके लिखा है, मान लीजिए कि आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो 8 नंबर में से यानी दोनों में से किसी एक को करना है, कर लीजिएगा, लेकिन मेरी सुझाव मानिएगा, चारों प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए, जो वैदेशिक संबंध इनकी व्याख्या करना है हमें। ठीक है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, क्या किसी एक का कर दीजिए, चाहे भारत पाकिस्तान का कर दीजिए या भारत चीन का कर दीजिए, पूरा व्याख्या करना है, डिटेल में आपको बताना है 250 शब्दों में। ठीक है, तब जाकर आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए अथवा करके लिखा है, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या अर्थ है, यानी इसका क्या अर्थ है, वर्तमान परिस्थितियों में भी ये भारत के लिए प्रासंगिक, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको कितने नंबर देगा, 8 नंबर देकर जाएगा। तो चारों प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ ये मॉडल पेपर, वायरल मॉडल पेपर है नागरिक शास्त्र का, तैयार कर लीजिएगा और अपना स्कोर 95 का जरूर रखिएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय।